पत्नियों की तो गुणगान करते ही नहीं है। आप पहले एक ऐसे शख्स हैं जो पत्नियों का गुणगान कर रहे हैं, वो भी दो दो पत्नियों का। अरे आपकी पत्नियां, दोनों पत्नियां आपके ऊपर समान नजर बनाई रखती हैं जी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आप उनके इकलौते पति हैं जी, जी। लेकिन आपकी दो पत्नियां हैं, क्या आप समान उनके साथ व्यवहार बनाते हैं जी? वो अब जैसे देखिए, जब समानता का व्यवहार रखेंगे, अब दो देखिए, जैसे अभी यहाँ मालती चौहान के बारे में चल रहा है ना, तो दो औरतें हैं, मेरी हालत यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। असमानता दिखी और कोई लटक गई, अगर किसी के मन में दुख हुआ, अब दो पत्नियों को रखने की बड़ी बात नहीं होती है, उनका मेंटेनेंस कर लेना बड़ी बात होती है। अगर एक को चप्पल, एक पत्नी में परेशान, हाँ तो वही, जैसे अगर एक को चप्पल चाहिए और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चप्पल खरीदने का पैसा है, तो हम चप्पल नहीं लाते हैं, कहते हैं कि तुम अभी बिना चप्पल का रहो, चाहे छोटे लोग, हाँ नहीं, मान लीजिए एक के पास है और एक के पास नहीं है और वो कह दी कि हमें चप्पल चाहिए, तो मैं कहता हूँ अभी रुक जाओ, दो चार दिन के बाद हम व्यवस्था बना ले रहे हैं। तो जब दोनों के लिए चप्पल के लिए पैसा हो जाता है तो दोनों के लिए लाते हैं, और चप्पल और हमको लगता है ब्लाउज, दो चीज़ छोड़ के बकिया सब वो लोग आपस में एक दूसरे को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक दूसरे का पहन लेते हैं। हाँ, वो छोटी वाली पतली है तो ब्लाउज उसकी नहीं होती है, और उसका पैर थोड़ा छोटा है तो उसका बड़ी वाला का पर बड़ा है, तो चप्पल नहीं होता, बकिया सब अपना। बड़ी इतनी बड़ी वाली इतना शरीफ है कि वो एडजस्ट कर लेती है, अगर कभी जैसे मान लीजिए आज तक बड़ी वाली शरीफ है, हर एक चीज एडजस्ट कर लेती है, लेकिन बड़ी वाली का कोई चैनल नहीं है, बड़ी बड़ी बात है। नहीं तो वही मैं पहले बताया ना कि एडजस्ट कर लेती है, और छोटी वाले चैनल पे काम कर लेती है। हाँ, कर लेती है, एक चैनल उसका भी है। तो जैसे भाई हमारी हालत यही है, दिन भर लोग जब चैनल पे ही रहेंगे तो नमक की व्यवस्था कैसे होगी? इतना बड़ा तो चैनल है नहीं कि नहीं भाई 2-4 हज़ार आ रहा है, इस तरह की बात नहीं है। तो उन्हीं लोगों की वजह से भोजन भी मिलता है, जानते ही हैं आप, तो वो लोग मेहनत करती हैं, और कहीं ना कहीं एक किस्म का मेरे लिए एक भगवान का दिया हुआ, हमको लगता है कि फरिश्ता है, भगवान मुझे मजबूर बनाए, लेकिन एट लास्ट फरिश्ता बना के भेज दिए कि जाओ अब आज से तुम्हें कुछ शांति रहेगी, तो रहती है शांति, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना आप किए जी? जी, बचपन में 4-5 साल के बाद पैर खराब हो गया, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई हुई, शादी होने के बाद उसको बड़ी वाली को गाय मार दे, बेंजाइना डिजीज समझ रहे हैं उसको हो गया, इसके बाद फिर माता जी की कुल्ली टूट गई, साल शादी के 1.5 महीने बाद माता जी की कुल्ली टूट गई, और 2 महीने के अंदर पिताजी के सीने की हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, औरत घायल, माता जी की कमर की हड्डी टूट गई, पिताजी के पसली टूट गई, अब 3 लोग बेड पे थे उस समय, बताइए आत्महत्या करने की हालत थी कि नहीं? 3 लोग बेड पे सो के सड़े हैं, और मेरी हालत ये थी किसी को मैं एक लोटा पानी भी नहीं ले जाके संभाला था इस परिस्थिति, वही छोटी वाली जो हैं, जिनको कह रहे हैं कि दूसरी बीवी है चैनल, उन्होंने ही दिखाया और आज यहाँ तक पहुँचाई हैं, ताकि हम आप लोगों से मिले हैं। मैं भी कह ले रहा हूँ कि मैं 150 किलोमीटर दूर से 175 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ, ये उन्हीं लोगों की देन है। कौन सी गाड़ी चला के आए हैं आप? ही वाले जो दिए हैं व्हीलर। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये इनका कमर के नीचे पैर भी काम नहीं करता है, लेकिन हौसला इनका इतना बड़ा है, इतना मजबूत है कि 250 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं, खुद गाड़ी ड्राइव किए हैं, पैर भी काम नहीं करता, वो भी 4-व्हीलर। और आप लोगों को बता दें कि अभी जो इनके शादी की चर्चा छिड़ी थी कि दो बीवियां दो पत्नियां हैं इनकी, तो सामान्य परिस्थितियों में ये दो शादी नहीं करते हैं। अभी इन्होंने बताया कि इनके जीवन में कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियां आती हैं कि इनको दूसरी शादी करना पड़ता है। पहले ये पैरालाइज होते हैं, इसके बाद इनके पिताजी का पैर टूटता है, वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनका पैर दोनों नहीं काम करता है, उसके बाद इनके माताजी भी बेड पे आ जाती हैं, पत्नी को गाय मार देती है। अब ऐसे में जब पूरा परिवार बीमार था, तो उस परिवार को संभालने के लिए इनके पत्नी की छोटी बहन अर्थात इनकी साली इनके घर पे आती हैं,
और उनका मन इनके परिवार में इतना लग जाता है, फिर वो वापस अपने घर नहीं जाती हैं। इनकी दूसरी पत्नी बन करके तब से लेकर के आज तक इनका साथ दे रही हैं, और कहीं ना कहीं इनकी दोनों पत्नियों की सहभागिता है इनके जीवन में। तब ये आज नाज से बोल रहे हैं कि दोनों पत्नियां इनकी देखरेख करती हैं, ये दोनों की देखरेख नहीं करते हैं। जी जी सही है। अगर मुझे देखरेख करने का मतलब अगर वो लोग कहने लगते कि मुझे 5,000 की साड़ी चाहिए तो 2,000 का रेट चीप का चप्पल चाहिए तो मैं नहीं दे पाता। मैं 100 रुपये की मैं घर से कह लेता हूँ कि मैं अपनी औरतों को 4 साड़ियाँ लाता हूँ। जैसे आपकी बीवियाँ हैं जी, क्या आप अपील करेंगे सबसे कि सबकी बीवियाँ ऐसी हो? नहीं भाई देखिए, बीवियाँ दो दो बीवियाँ नहीं नहीं इस तरीके का व्यवहार उनका। हाँ भाई देखिए, और औरत अगर उस तरह की हो, अब जैसे थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, जैसे मैं अभी कहा ना कि मैं एक नहीं दो चप्पल लाता हूँ, साड़ी भी एक नहीं लाता, जोड़ी की केवल दो चप्पल नहीं मतलब दो जोड़ी, और साड़ी की बात है तो मैं एक साड़ी कभी नहीं खरीदता हूँ, कम से कम 2 या 4 6 इस तरह से। तो मैं इसलिए खरीद लेता हूँ कि अगर 150 की भी खरीद के लाऊँगा तो सब ये नहीं कहती हैं कि ये 150 वाली है, हम लोग इसको नहीं पहनेंगे, खुशी से स्वीकार कर लेती हैं सब, पहनती हैं, फिर वो ख़राब हो जाती है तभी दूसरी फरमाइश होती है, या फिर परमात्मा के मर्जी से उन लोगों की मेहनत देख के मेरे पास व्यवस्थाएँ ऐसी हो जाती हैं कि उन लोगों के कहने से पहले मैं व्यवस्था बना देता रहता हूँ। धन्य है वो पत्नियाँ, जो इनकी पत्नियाँ हैं वो देवी हैं, उन देवियों से आप लोगों को परिचय कराएंगे। एक बार कराए भी हैं, शायद सब लोग देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जाने हैं तो इनके घर पे जा करके आप लोगों के बीच में इनके दोनों पत्नियों से मिलवाएंगे, और आप लोग देखिएगा कि जितना बखान ये कर रहे हैं क्या रियल में इनकी पत्नियाँ इतनी अच्छी हैं। सही है ना? हाँ, अब आप आइए कभी, सभी लोगों से परिचय। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने मुँह से मिठू मियाँ बनूँ, कोई मतलब नहीं है। आप अक्सर लोग पत्नियों की तो गुणगान करते ही नहीं है। आप पहले एक ऐसे शख्स हैं जो पत्नियों का गुणगान कर रहे हैं, वो भी दो दो पत्नियों का। अरे भाई, कहने का मतलब आप एक मीडिया वाले बंधु हैं। मान लीजिए मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर आप घर में जाके माइक घुसाड़ देंगे तो फिर हमारी रियलिटी सामने आ जाएगी ना। इसलिए सीधा सीधा बात है भाई, आप जाके पता भी करेंगे तो यही बात निकल के आएगी। मेरे अनुपस्थिति में भी जाके आप कुछ भी पता करेंगे मेरे गांव में अगल बगल जहां भी, तो उन दोनों लोगों का नाम है कि वही दो लोग हमारे घर की पूरी व्यवस्थाओं को देख लेती हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ, घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं, दो ठो पशु हैं, वही सब बांधना छोड़ना सब व्यवस्था उन्हीं लोगों के, चैनल भी चला लेती हैं। तो मित्रों, रामविलास यादव जी हैं जो कि गाजीपुर के निवासी हैं, इनके पत्नी का चैनल है निशा यादव ऑफिशियल, और दूसरा निशा यादव ऑफिशियल 139 एक टू है, और दूसरा निशा आशा ब्लॉग करके है, दोनों बहनों का। जैसे अब बड़ी वाली जो है ना, वो वीडियो जब बाद में लोग कहने लगे, आप लोग जा करके भी कहने लगे, तो वो एक दिन हमसे कही कि ठीक है हम नहीं बना पाते हैं तो कुछ भी हो एक बना दीजिए, ताकि आज के बाद में कोई पूछे तो हम लोग कह दें कि नहीं दो है। क्या बात है, तो दो पत्नियां हैं जो इनका ही ढाल बन जाते हैं, आप समझ सकते हैं। एक बार किसी कारणवश उनके मतलब मेरे ससुराल वाले उनके मायके पक्ष के लोग, जैसे होता है ना किसी तरह की नाराज, आप ससुराल आना जाना है कि नहीं? नहीं मैं नहीं जाता हूँ, वही एक बार गई थी, वो लोग नहीं आते हैं, तो बड़ी वाली औरत गई थी तो उसको लाने में गया था, तो एक औरत आई वो हमको लगी डांटने, तुम ऐसे हो वैसे हो, मतलब गांव की औरतों को जानते ही हैं, तो हम कुछ नहीं बोले, खाली उनसे कहे कि अरे साहब यही सब सुनने के लिए हम आए हैं, अब हमको छोड़ करके, हालांकि वो उसी के पक्ष में औरत डांट रही थी, उसका पक्ष लेकर के हमें डांट रही थी, और उतर करके गाड़ी में से जाके इतना पता नहीं 5-7 पीढ़ी तक का उसकी बात बताई इन लोगे क्यों उसको जगह नहीं मिली छिपने के लिए, भागी तुरंत।
धन्य हो प्रभु, पत्नियां मिले तो सबको इन्हीं के जैसे मिले, लेकिन दो दो नहीं केवल एक ही मिले, क्योंकि अगर दो दो मिलने लगी तो लड़कियों की संख्याएं कम हो जाएंगी और एक के बाद एक लड़का छूट जाएगा जिसकी शादी नहीं होगी। मेंटेनेंस आदमी नहीं कर पाएगा और दो में से एक का किसी भी हाल में एक पीट कर ही लेगी। जैसे अभी एक कहानी वायरल हो रही है, हम और तुम में जब ओ की एंट्री होती है ना, तो जिसको अगर एक को गंवाने की चिंता फिक्र नहीं रहेगी, मुझे फिक्र इसलिए रहती है कि भाई एक दायां पैर है एक बायां पैर है, अब दाहिना किसको बनाऊं बायां किसको ये नहीं बता सकता, लेकिन दोनों मेरे पैर हैं तो मुझे डर रहता है कि भाई कोई पैर टूट जाएगा तो फिर मुझे दिक्कत होने लगेगी, इसलिए मैं हमेशा अपना पैर समझ करके। वो भी आपका जो दाहिना और बायां पैर है या फिर हाथ है एकदम बिल्कुल जो है आपके शरीर से भिन्न तो है, लेकिन चलता है आपके मस्तिष्क के हिसाब से। हाँ सही है, एकदम हर 101% यूनिवर्सल है कि जो हम कहते हैं उतना होता है, जिस तरह से कहते हैं होता नहीं है, वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। पांच बार हम गाड़ी में बैठे थे, पांच बार फ़ोन किए हैं सब कि रात हो गई है आना नहीं है, आराम से सुबह में आइए। हम कहें कि आ रहे हैं 12-1 बजे तक आ जाएंगे, मना किए हैं सब, दोनों पारी पारा दोनों को दोनों नाराज़ हो जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे सुबह में जाएंगे। चलिए तो ये चर्चा जो है कहीं ना कहीं जब इनके जीवन के ऊपर चर्चा होने लगती है तो इनके जीवन की चर्चा ये भी है कि ये पैरालाइज हैं, पैरालाइज होते हैं कैसे, जब ये पैरालाइज होते हैं तब इनकी दो शादियां होती हैं, इनके जीवन में तमाम असामान्य परिस्थितियां हैं। मैं 5 साल का था तो मुझे बुखार आया, पता नहीं उसमें ये पोलियो हो गया या फिर डॉक्टर की लापरवाही थी, ये पैर मेरा पूरा खराब हो गया, हाथ भी देखिए हाथ भी खराब, बचपन से नहीं हाँ हाथ भी खराब है देख रहे हैं ना, तो पैर खराब हो गया, फिर जैसे तैसे गरीबी, हमारे घर की स्थितियाँ बहुत ही खराब थी, जैसे तैसे पढ़ाई। भाई बहन है? हम अकेले हैं, कोई भाई नहीं है। बहन? बहन है, सब सबकी शादी हो गई, अपने अपने घर हैं, तो जैसे तैसे शादी हुई, शादी में अब ये हुआ जैसे माता पिता को चिंता थी कि भाई हमारे लड़के हमारा लड़का विकलांग है, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाले ने लिख के भेजा था तो शादी हुई, तो एक खुशी का माहौल हुआ कि नहीं अब शादी हो गई, हमारा लड़का समाज में जुड़ गया। उसके 7-8 दिन शादी होने के 1.5 महीने के अंदर औरत को हमारी गाय मार दी, पीछे से उठा के फेंक दी, सिंह धंस गए, पेशाब और पैखाना का रास्ता फट के एक हो गया, हाथ बाहर आ गए थे समझे। और अब मुझे लगा कि किसी तरह से शादी हुई अब ये भी हाथ से निकल जाएगी, तो हम जान परान एक करके पहले उसकी दवा करवा के सही करवाए, अब उसको हमारे घर लाए कि हम अपने हिसाब से दवा करवाएंगे, तो एक गिलास पानी लाने के लिए भी उसको चल के जाना पड़ता था, तो औरतों का प्रॉब्लम समझ ही रहे हैं। तब उस परिस्थिति में एकदम गलने लगी, दिन प्रतिदिन गलने लगी और चलती थी, ब्लड बहुत ज़्यादा गिर जाता था, तो मुझे लगा कि मर जाएगी और मैं उसको मरने नहीं देना चाहता था, मैं चाहता था कि कम से कम दुनिया देखे। फिर मुझे वो सब कदम उठाना पड़ा जो आज कहानी बना है। चलिए कहानी नहीं, ये सत्य है, इनके लाइफ की रियल स्टोरी है, स्टोरी नहीं कह सकते हैं, इनकी रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं रियल लाइफ। रामविलास यादव जी हैं, ये जो भी चैनल का नाम बताए हैं जाइए विजिट करिए, इनके दोनों पत्नियों का अलग अलग पर्टिकुलरली चैनल है, विजिट करिए। इस वीडियो से संबंधित, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।